धर्मशाला में एक निर्माणाधीन भवन में फायर सेफ्टी फिटिंग को लेकर मांगी गई एनओसी देने की एवज में रिश्वत की मांग करने वाले धर्मशाला के फायर सेफ्टी ऑफिसर को विजिलेंस ने रंगे हाथों दबोच लिया है, जिसकी पुष्टि विजिलेंस के एसपी बलवीर सिंह ने कर दी है। दरअसल विजिलेंस की टीम ने अधिकारी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते उनके कार्यालय से ही गिरफ्तार किया है, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ विजिलेंस में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितने भी शिकायतें आती हैं, विभाग और सरकार की स्पष्ट नीति रही है कि ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसी ही कड़ी में पिछले दिन एक जो शिकायतकर्ता लोकल धर्मशाला से विजिलेंस के पास, उन्होंने शिकायत दी कि जो यहाँ पे स्टेशन फायर ऑफिसर तैनात हैं मिस्टर स्वरूप कुमार, वो इनसे जो इन्होंने किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हैं उनके लिए, क्योंकि एनओसी जारी होनी होती है, तो एनओसी जारी करने के लिए वो इसमें रिश्वत की मांग कर रहा था। तो ऐसी शिकायत आने पर जो विजिलेंस धर्मशाला की टीम थी, इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख के उसको हिरासत में लिया और उसके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है उसमें मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो आरोपी हैं इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें की जा रही है।